आपको किताब का फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पढ़ जाओगे, लिंग किसे कहते हैं। तो अभी तक आप जानते हैं कि नर और नारी का अंतर लिंग कहलाता है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि आप क्लास फोर्थ में आ गए हैं, आगे आपको बहुत काम देगा। आगे भी जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें लिंग वगैरह ये सारे आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिए कि लिंग किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, लिंग आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। परिभाषा क्या है, पहले मैंने लिखा है कि जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति में, स्त्री और पुरुष यानी जाति, मतलब आप जाति मत समझिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय ये वाली जात नहीं है, जैसे स्त्री और पुरुष का वर्ग, जो लोग स्त्री हैं और जो लोग पुरुष हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में भी होगा, आपके मम्मी हैं पापा हैं, तो मम्मी क्या है, वो स्त्री है, पापा क्या है, पुरुष है। तो मम्मी के वर्ग में यानी मम्मी के जाति में आपकी दीदी भी आ गई, बहन भी आ गई, आपकी बुआ भी आ गई, आपकी नानी भी आ गई, ये सारे आ गए। और पापा क्या है, वो पुरुष में आ गए, तो पुरुष में क्या हुआ, आपके दादाजी भी आ गए, आपके मामा आ गए, आपके नाना आ गए, ये सारे लोग पुरुष वर्ग में आ गए, ठीक है। तो यही है जाति, स्त्री और पुरुष जाति, कहने का मतलब यही है, ठीक है। फिर से देखते हैं, जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति में भेद या अंतर, ठीक है, भेद अंतर एक ही है, या भेद कहिए या अंतर कहिए, भेद या अंतर पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्त्री और पुरुष जाति में हम भेद कैसे करते हैं, यहाँ मैंने कुछ आपको बताया उदाहरण दे करके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ स्त्री है और यहाँ पुरुष है, यानी स्त्री जाति में जितने आते हैं वो और पुरुष जाति में जितने आएंगे वो, ठीक है। तो इसमें देखिए, स्त्री जाति में आपकी माता यानी आपकी माँ, चुड़िया, बहन, शेरनी, ऐसे ही जितने भी आपके जो फीमेल होंगे यानी जितने भी आपके स्त्री जाति के लोग होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका धोबी हो गया, आपकी दीदी हो गई, आपकी मामी हो गई, ये सारे स्त्री जाति में आएंगे, ठीक है। ठीक इसी का उल्टा पुरुष जाति में आता है यानी नर, यानी जो लोग मेल होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, पिता, पिता भी आपके पुरुष जाति में आएंगे, चूहा, भाई, शेर, घोड़ा, बकरा, ये सारे आपके पुरुष जाति में आएंगे। आपके घर में आपके मामा हैं, आपके नाना हैं, ये जितने भी लोग हैं पुरुष जाति वाले वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके सामने लिंग आएगा लिखा हुआ तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि स्त्री और पुरुष में भेद यानी मम्मी और पापा में भेद, ठीक है। तो परिभाषा लिखेंगे कि जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति में भेद या अंतर पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। अब आइए लिंग के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं, मैंने लिखा है लिंग के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, वही स्त्री और पुरुष, ठीक है। तो पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग, ठीक है। लिंग के दो प्रकार होते हैं, जैसे परिभाषा में भी स्पष्ट है स्त्री और पुरुष, वैसे तो इसीलिए लिंग को दो भाग में बांट दिया गया है, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति के लोग आएंगे, ठीक है, और स्त्रीलिंग आपको पता है जो स्त्री जाति के लोग आएंगे, ठीक है। अब इसका जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो परिभाषा है यानी इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे हम इसको विस्तार से आपको बताएंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना पढ़िए कि लिंग किसे कहते हैं।